चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर यात्रीगण सीट की पेटी बांध लीजिए। सीट की पेटी समझते हो ना, सीट बेल्ट। और चलो आप लोगों को यूनिवर्स घुमा के लाते हैं। यूनिवर्स, प्रैक्टिकली यूनिवर्स में तीन बेसिक वर्ड है स्टार्टिंग के। यूनिवर्स, स्पेस, आउटर स्पेस। ठीक है, अगर आपको हिंदी जानने की बहुत इच्छा हुई हो, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, बाहरी अंतरिक्ष, वैसे हिंदी से आपको कोई मतलब है नहीं क्योंकि इंग्लिश की क्लास है। यूनिवर्स, स्पेस एंड आउटर स्पेस। सो टेल मी, आउट ऑफ दिस थ्री विच वन इज द बिगेस्ट यूनिट? तीनों में सबसे बड़ा कौन है? आओ देखते हैं। कल मैंने शायद बोला था कि यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी फ्रॉम योर चाइल्डहुड, बचपन से पढ़ रहे हो। यूनिवर्स, यूनिवर्स इज लिमिटलेस, ब्रह्मांड अनंत है। दिस इज द वन एंड ओनली डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स। या तो बोलो यूनिवर्स इज लिमिटलेस, या बोलो एवरीथिंग लाइज इन यूनिवर्स, यानी इसकी कोई एंड नहीं है, ना स्टार्टिंग ना एंड। चलते चले जाओ, लाइफ खत्म, पेट्रोल खत्म, सब कुछ खत्म, इसकी बाउंड्री आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इस यूनिवर्स में मैक्सिमम मैटर जो है ये हाइड्रोजन का सिंगल एटम है। ठीक है, और जब ये दो टकराते हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हीलियम देते हैं और इनॉर्मस अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं जिससे बनता है स्टार। लेकिन इन दोनों को भी टकराने के लिए ना मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर इतना है, तब तो ये जाकर टकराएंगे। यानी साफ सुथरी भाषा में बोलूं तो हमारे मिलने की खुशी में मैंने आपको हाइड्रोजन बॉम्ब का फॉर्मूला दिया, जाओ जहां दिल करे ब्लास्ट कर दो। यह हाइड्रोजन बॉम्ब है। लेकिन उससे पहले हिरोशिमा पे जो एटम बॉम्ब गिरा था ना, उसे ब्लास्ट करो, क्योंकि उसके ब्लास्ट होते ही सराउंडिंग टेम्परेचर 2 से 2500 डिग्री सेल्सियस जाएगा। उस टेम्परेचर के अंदर हम दो हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करेंगे और उनके फ्यूज होते ही बाई प्रोडक्ट हीलियम और बड़े पैमाने पे एनर्जी आएगी। अब क्योंकि टेम्परेचर 2000 था, यानी अब जो आएगा वो 2000 से कई गुना ज्यादा होगा, यानी मौजूदा हाइड्रोजन को टकराने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगा और ये स्टार्ट करेंगे एंडलेस रिएक्शन, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे? स्टार। बट द थिंग इज दैट कि सर, पहले तो आप ये बताओ कि ये हाइड्रोजन मिलके हीलियम कहां से लाएंगे? 2H भी हो सकता है। हाइड्रोजन मिलके हीलियम कैसे बनाएंगे और टेम्परेचर 2000 क्यों चाहिए? तो देखो भाई, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए अपने केमिस्ट्री वाले सर को पकड़ो। बोलो तो केमिस्ट्री वाले सर, मेरी केमिस्ट्री, आपकी केमिस्ट्री, ठीक है? और देखो, मैं जो जानता हूं वो आधा अधूरा है और आधी अधूरी जानकारी बहुत घातक होती है, तो घातक चीजें मैं नहीं देता, मैं केवल बम देता हूं। सर आएंगे केमिस्ट्री वाले, धीरे से हाइड्रोजन बम फोड़ देना। बाकी स्टार्स की बात करें तो दो होते हैं, एक बड़े मियां और एक छोटे मियां। दोनों की अपनी अपनी लाइफ है, बड़े मजे में चलती है फ्रीली, लेकिन दोनों के लाइफ का एक स्टेज सेम है और वो है रेड जाइंट फेज। ठीक है, अब बात उठी, हम तो तारों के पास जा नहीं सकते, क्यों? अर्थ का सबसे नजदीकी स्टार
सन, और सन और अर्थ के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर यानी 150 मिलियन किलोमीटर। और सोचो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से सूर्य देव जो प्यार दे रहे हैं, और इतनी दूरी से भी भाई सूर्य देव का प्यार तो झेला नहीं जाता है, जी करता है एसी में बैठ जाए। तो जरा एक बात बताओ, जब हम स्टार के पास जा ही नहीं सकते यानी आउट ऑफ सिलेबस है, तो अपने को पता कैसे चलता है ये खत्म होगा? फोन करके तो बताते नहीं है, हेलो हेलो निपटने वाले हैं, और ना भविष्यवाणी होती है, तो फिर बताओ कैसे? मैं याद दिलाऊं, घर में खाना बनता है गैस पे? लड़कियों किचन देखा है? नहीं लड़कों ने देखा है, फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। नहीं लड़कियों में थोड़ा सीन अलग है, मोदी अंकल वाला वुमेन एम्पावरमेंट। घर में खाना बनता है ना, किस पे बनता है? गैस पे। दो दिन पहले मम्मी बोलती है गैस खत्म होने वाला है, कैसे? उठा के तो देखती नहीं है, बेटा हल्का लग रहा है, हाँ फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है। ओरिजिनल कलर क्या होता है फ्लेम का? ब्लू। चेंज होने के बाद क्या हो जाता है? रेड। कारण है इंप्यूरिटीज का जलना। ठीक वैसे ही जब सारे हाइड्रोजन खत्म होने लगेंगे ना, तो ये किस कलर में बदल जाएगा? रेड। और स्टार्स ऑलरेडी बड़े होते हैं, तो जब एक्सपैंड करेगा तो बहुत बड़ा। और जैसे ही इनके अंदर की एनर्जी खत्म होगी, इनकी रोशनी बाहर भागने की बजाय ना अपने आप को अंदर की तरफ खींचेगी। जैसे आपने स्ट्रीट लाइट देखा है हैलोजन बड़ा वाला, अगर हम उसकी स्विच को बंद कर दें तो लाइट किधर भागेगी? अंदर की बाहर? अंदर। और अंदर भागने के बाद अगर स्टार बड़ा होगा ना, तो क्या बनाएगा? और छोटा होगा तो व्हाइट ड्वार्फ। अब बात उठी दोनों क्या है, पहले बताओ यूनिवर्स का कलर क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ यूनिवर्स? ये पेपर का क्वेश्चन है और क्लास सेवेंथ का क्वेश्चन है फिजिक्स का। व्हाट इज द कलर ऑफ यूनिवर्स? कलरलेस। तो उसे क्या बोलते हैं कलरलेस को? अच्छा एक और क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप स्पेस स्टेशन में बैठे हैं और अंदर की तरफ देख रहे हैं बाहर की तरफ, तो स्काई का कलर कैसा दिखेगा? ब्लैक। यही होता है ना क्वेश्चन, तो मैंने भी तो यही पूछा था कलर ऑफ यूनिवर्स। कलर ऑफ यूनिवर्स इज ब्लैक। अब ये बताओ कि ब्लैक क्यों है? कोई बैठ के पेंट तो किया नहीं है, तो काला क्यों? ये छोटे हैं, जानते हो सूरज कितना छोटा है? 13 लाख पृथ्वी उसके अंदर सेट हो सकती है, छोटा है। तो बहुत सारे तारे भी तो हैं। थैंक यू। आंसर आपको मालूम है, आपके बाद आपके हार्ड डिस्क के बाहर कुछ नहीं पूछूंगा। पहले तो खुद पे लेते हैं, मैं आप यहां मौजूद हर वस्तु, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को दिख रही है। दिख रही है वाई लाइट क्या? बस बात खत्म। बोला था ना मैंने स्कैटरिंग नहीं होगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट इज गेटिंग द सरफेस एंड इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक। लेकिन क्या यूनिवर्स में कुछ है? नहीं है, वैक्यूम है। तो जो लाइट पैदा हो रही है ना, ये बिना रोक टोक भागती चली गई, जब तक वो रुकेगी नहीं तब तक वापस, यानी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मीडियम या ड्यू टू वैक्यूम द कलर ऑफ यूनिवर्स इज ब्लैक। देखा, यूनिवर्स के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आया तो आउट ऑफ सिलेबस, खुद के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आया तो आंसर आपको मिल गया, वो आप ही। तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना से अपने आप आंसर आ जाएगा। अब अगर यूनिवर्स ब्लैक है तो मैं ब्लैक सीट में ब्लैक डॉट लगा दू, या छोड़ो पहले मैं ब्लैक सीट में व्हाइट डॉट लगा दू, व्हाइट ड्वार्फ ढूंढ लोगे?
ब्लैक सीट में व्हाइट डॉट मिल जाएगा, तो बस ये एक व्हाइट डॉट है। क्या है हमें नहीं मालूम, क्यों? क्योंकि हमारे सन के सबसे नजदीकी स्टार प्रोक्सिमा सेंट्यूरी है और इनकी सन के बीच की दूरी 4.3 लाइट ईयर है। यानी आज लाइट की स्पीड से भागना शुरू करोगे तो लगभग 2023 में पड़ोसी स्टार्स के पास पहुंचोगे विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो फिलहाल मार्केट में जिंदा है। यानी जो निपट गए वो मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, यानी जाना आउट ऑफ कवरेज एरिया। तो बहुत दूर होने के कारण ये क्या दिखते हैं? छोटे, ठीक है। लेकिन जब यूनिवर्स में कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट हुई नहीं तो ये व्हाइट कैसे दिखते? गड़बड़ है ना? आओ देखो, हाइड्रोजन किसमें चेंज होंगे? हीलियम की प्रॉपर्टी बताओ, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हीलियम? देखो कुछ प्रॉपर्टी है जो कॉमन है, हल्का है, फास्ट ट्रेवल करता है, इनर्ट गैस है, नोवेल गैस है, ये तो लगभग बहुतों के प्रॉपर्टी। कुछ ऐसी जो इसकी अलग है, यस, हीलियम इल्यूमिनेट करता है, सही बोला, यानी चमकता है। तो हीलियम जब ग्लो करेगा तो क्या दिखेगा? व्हाइट, और दूर होने के कारण छोटा। ये तो गेम हो गया। ब्लैक होल के लिए डेफिनेशन है, ब्लैक होल के लिए बोलते हैं सेंटर ऑफ मैक्सिमम ग्रेविटी, ठीक है, जिसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट गया वो आज तक वापस नहीं आया। और मैक्सिमम स्पीड से चलने वाला क्या है? लाइट। और लाइट भी गई ब्लैक होल के अंदर तो वापस नहीं आई। ये तो डेफिनेशन हुआ। चलो प्रैक्टिकल कर लेता हूं। आप लोगों की आंखें बंद करके मैं इस व्हाइट बोर्ड को ब्लैक कर दूं, ब्लैक पेन से एक डॉट लगा दूं और बोलूं ढूंढो, मिल जाएगा नहीं मिलेगा, और जिनको भेजा ढूंढने उनको मिल गया, लेकिन वो लोग आज तक आए नहीं वापस बताने कि मिल गया, क्योंकि जो गया सो आया नहीं, और जिनको बैकअप में भेजा वो भी वहीं बैठ के पार्टी कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू साइंस, जो वस्तु नहीं दिखती वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम कैसे मान ले ब्लैक होल है?